वेलकम टू माई चैनल आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है मैक्सवेल बोर्डजैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है उसका यहाँ पे डिफिनेसन लिखा हुआ है तो एग्जाम ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डिफिनेसन जल्दी पूछा नहीं जाता है जब भी पूछा जाता है तो डेरीवेशन पूछा जाता है तो डेरिवेशन इसके बाद है तो ये आप अपने एग्जामिनेशन में याद करके लिख भी सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल वोट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल बोर्डमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन आइडेंटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूसिबल पार्टिकल हैविंग टोटल एनर्जी एप्सलन ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी सपोज एन वन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द लेवल विद एनर्जी एप्सलन वन एंड टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द लेवल विद एनर्जी एप्सलन टू एंड सो ऑन मीन्स कह रहा है कि हम लोग एक सिस्टम को कंसीडर किए हैं जिसमें एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं ठीक है जिसका अल, मतलब अलग अलग एनर्जी है टोटल एनर्जी अगर उसका हम लोग निकालें तो एप्सिलन से डिनोट करेंगे और जो भी अलग अलग पार्टिकल है तो जैसे एन वन पार्टिकल हो गया एन टू पार्टिकल हो गया एन थ्री पार्टिकल हो गया तो एन वन पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो एप्सिलन वन हो जाएगा एन टू पार्टिकल का एनर्जी हो जाएगा वो एप्सिलन टू हो जाएगा एंड सो ऑन और सब मिला के जो सिस्टम में पार्टिकल होगा वो एन पार्टिकल होगा और उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो एप्सिलेन होगा तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है इक्वेशन के फॉर्म The following two conditions must be satisfied summation ni is equal to n. इसे इक्वेशन नंबर वन माने हैं और समेसन ऑफ एन आई एफ्सलन आई इज इक्वल टू ई इक्वेशन नंबर टू यानी ये पार्टिकल का इक्वेशन है पूरा ऑल पार्टिकल का ये ऑल टोटल एनर्जी का इक्वेशन है टोटल यहाँ समेसन मीन सम होता है तो द प्रोबेबिलिटी में भी प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी uh, डिनोट होता है डब्लू से तो ये जो फॉर्मूला uh, है ये प्रॉबिलिटी का है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल

अपॉन में या बटे में कोई चीज़ रहता है तो लॉग के फॉर्म में जब ऊपर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है तो इसी चीज़ को यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है एन वन एन टू एंड सो ऑन को यहाँ पे लॉग डब्लू इज इक्वल टू लॉग एन फैक्टोरियल माइनस समेसन ऑफ लॉग फैक्टोरियल एन आई इसे इक्वेशन नंबर फाइव सॉरी फोर कंसिडर किया गया है यूजिंग अस्टर्ग अप्रोक्सीमेशन स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है जब लॉग फैक्टोरियल एक्स मतलब यहाँ पे एक्स के फॉर्म में फंक्शन है तो लॉग के फॉर्म में लॉग भी रहे और फैक्टोरियल भी रहे तो क्या होता है एक्स आगे चला आ जाता है तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स हो जाता है तो यहाँ पर जैसे देखिए लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स है तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये वाला इक्वेशन हम लोग को मिलेगा तो इसे जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो एन लॉग एन माइनस एन माइनस समेसन एन आई लॉग एन आई प्लस एन तो प्लस माइनस कट जाएगा तो लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू तो एन लॉग एन माइनस समेसन ऑफ एन आई लॉग एन आई तो इसे इक्वेशन नंबर फाइव कंसिडर किया गया है तो जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन फाइव का तो इक्वेशन ये मिलता है जिसे इक्वेशन नंबर सिक्स कंसिडर किए हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल मैकेनिक्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन डेट मेक्स प्रोबिलिटी मैक्सीम देर फोर डी लॉक डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो मतलब हम लोग यहाँ पे ये यहाँ पर यह कह रहे हैं कि स्टैटिकल मैकेनिक्स में जब हम लोग मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर जो प्रॉबिबिलिटी होगा वो मैक्सिम कब होगा जब डी लॉक डब्ल्यू यानी डिफ्रेंसिएशन लॉक डब्ल्यू का जीरो हो जाए तो इसी चीज को यहाँ पे हेंस द इक्वेसन सिक्स बिकम्स समेसन ऑफ लॉग एन आई प्लस वन डी एन आई यानी डिफ्रेंसिएशन एन आई के रिस्पेक्ट में करेंगे इज इक्वल टू जीरो इसे इक्वेशन नंबर सेवन कंसिडर किया गया है सिंस ऑफ इज इक्वल टू एन है यहाँ पे और ये इक्वेशन नंबर वन और टू का ही फॉर्म है और समेसन ऑफ एन आई एफसेल एन आई इज इक्वल टू एक्से कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में हम लोग सिस्टम कंसिडर किए थे तो वहां पर जो एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए थे और टोटल एनर्जी लिए थे वो कॉन्स्टेंट है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसा कि पीछे देखा हमने कि जब एनर्जी कांस्टेंट होता है एन पार्टिकल भी कांस्टेंट है तो जब उसका डिफ्रेंसीसन करते हैं अबॉन डिफ्रेंसीसन तो कांस्टेंट जो रहता है उसका डिफ्रेंसीन जीरो होता है तो यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो हो गया ये वाला एनर्जी वाला टर्म जीरो हो गया एप्सिलन इसे इक्वेशन नंबर एट कंसिडर किया है और इसे इक्वेशन नंबर नाइन कंसिडर किया गया इसी इक्वेशन एट और नाइन में हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा डैस और बीटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन एट एंड इक्वेशन नाइन बाय कांस्टेंट अल्फा डैस एंड बीटा एंड एडिंग टू इक्वेशन सेवन वी गेट और जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब इक्वेशन सेवन में जोड़ते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन एट और इक्वेशन यहाँ पे नाइन एड किया हुआ है ये इक्वेशन नंबर सेवन है जैसा कि पीछे वाले पेज में आपने देखा तो जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा डैस है ये बीटा कुछ नहीं है यहाँ पे अल्फा डैस है तो 1 डैस प्लस अल्फा पे कॉमन लिया गया है और जो समेसन है उसे कॉमन लिया गया है तो यहाँ पे अनदर कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे फिर से कंसिडर करते हैं माइनस वन प्लस जो यहाँ पे अल्फा डैश है इसे अल्फा हम लोग लिखते हैं तो जब इसी चीज को जब यहाँ पे प्लस के फॉर्म में अल्फा

के फॉर्म में चला जाएगा और अल्फा प्लस बीटा एप्सल आई बचेगा तो यहाँ पे जब हम लोग लॉग हटाएंगे तो लॉग जब हटता है तो एक्सपोनेंशियल से गुना होता है तो इसी चीज को ई e से गुना किया गया है और पावर में ये वाला टर्म चला गया है तो इसी इक्वेशन नंबर टेन माना गया है तो द इक्वेशन टेन इज कॉल्ड मैक्सवेल बोर्डबैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसी इक्वेशन को हम लोग मैक्सवेल वोर्जबैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं एग्जामिनेशन में आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन इसी इक्वेशन को जब हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो एक अलग इक्वेशन मिलेगा तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि एन आई इज इक्वल टू ई के पावर माइनस अल्फा इन टू ई के पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एन आई इक्वेशन नंबर इलेवन तो एन इज इक्वल टू की जैसा

निकालेंगे तो एन अपॉन में समयसन ऑफ ई के पावर माइनस बीटा एफ आई आए आएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ ई के पावर माइनस अल्फा इन इक्वेशन इलेवन जब इक्वेशन इलेवन जो हम लोग को मिला था टेन के बाद तो उसमें जब ई के पावर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू पुट करते हैं तो एन आई इज इक्वल टू एन ई के पावर माइनस बीटा एफ्सिलेन आई अपॉन समेशन ऑफ ई के पावर माइनस बीटा टा आई मिलता है इसी चीज को जब हम लोग एन को जब अपॉन में ले आते हैं तो ये इक्वेशन मिलता है तो दिस इज़ द अनदर इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल ब्रॉडबैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच